नंदू हॉस्पिटल के सामने खड़े होकर फूफू कर रहा है। बीबी बीमार है, अंदर है। क्या हुआ भाभी को? वही औरतों वाली बीमारी। औरतों वाली बीमारी? खर्चा इतना। सिगरेट कितने की? 10 रुपए की। 10 रुपए की? और जेब में कितनी पड़ी? एक और है। मरने के लिए तेरे पास पैसे हैं, लेकिन बीवी को मौत से बचाने के लिए पैसे नहीं। क्या बक रहा है? ये देख, मौत लिखी है इस पे, मौत। और ये सैनिटरी पैड पे जिंदगी। हंस मत। 2 सिगरेट के पैसे से भाभी को ऐसी खतरनाक बीमारी जो महावरी के वक्त गंदा कपड़ा इस्तेमाल करने से हो सकती है, उससे बचा सकता है। और सिगरेट ना पीने से अपने आप को भी खतरनाक बीमारी से बचा सकता है। यानी कि मौत के पैसे से 2 जिंदगी खरीद सकता है तू, एक अपनी और एक अपनी बीवी की। सोच अब हंस। हीरोगिरी, ये पीने में नहीं है, ये देने में। YouTube चैनल, मेरे YouTube चैनल पर आप सभी का स्वागत है। आज मैं आपको डिजोटेल मूवी के बारे में बताती हूँ। डिजोटेल एक 2001 की तुसी कॉमेडी ड्रामा फिल्म है, जिसे हिल मार्च एंड्रो ऑन द्वारा लिखित और निर्देशित किया गया है और लेखक निर्देशक की बचपन की यादों पर आधारित है, जो 1970 के दशक की शुरुआत में उनके गांव में पहले टेलीविज़न के आगमन की लेखक निर्देशक की बचपन की यादों पर आधारित है। यह फिल्म जो 2 फरवरी 2001 को राष्ट्रव्यापी रिलीज हुई, ये ने 3 गोल्डन और रेस पुरस्कार जीते और उस तारीख तक सबसे सफल तुर्की फिल्मों में से एक थी। एक सीक्वल जिसका निर्देशक वी जो टेली टूवा है, जिसमें निर्देशक और अधिकांश मूल कलाकार शामिल हैं, 2004 में इसका अनुसरण किया गया। निर्देशक हिल मार्च एंड्रो ऑन मेर फारूक सोरा की द्वारा लिखित हिल मार्च एंड्रो ऑन द्वारा निर्मित वरन वोलाटी अभिनीत लिजमा एंड्रो ऑन डेविड अकबसी अल्तान एरे के सेम सिलमाजी छायाकान मेरू फारूक सोरा की द्वारा संपादित मुस्तफा प्रे सेवा संगीत दिया कादरे तुर्कू कलर उत्पादन कंपनियां वैसी टास कुलू तुर्मेसी वो सेक या पिम द्वारा वितरित पांडव ब्रदर्स रिलीज की तारीख 2 फरवरी 2001 तुर्की कार्यकारी समय 110 मिनट देश तुर्की भाषा तुर्की फिल्म को गेवास बेनफ्रत तुर्की में स्थान पर गोली मार दी गई थी। 1970 के दशक में दक्षिण पूर्व तुर्की के एक छोटे से गांव के मेयर अलातान एकल कली ने आलसी अशरवादी लतीफा से जमी फिकिन की गतिविधियों का कड़ा विरोध किया, जो ओपन एयर फिल्म स्क्रीनिंग चलते हैं और पहली शुरुआत के साथ गांव के मनोरंजन पर अपने एकाधिकार को तोड़ने का प्रयास करते हैं। टेलीविज़न स्थानीय लोगों
द्वारा विजेंटेल कहा जाता है। महापौर एनिन यिल्मेज एरोडिगन नामक एक पागल इलेक्ट्रॉनिशियन और उसके कार्यालय के कुछ कर्मचारियों को एक टेलीविजन ट्रांसमीटर स्थापित करने में मदद करने के लिए भर्ती करता है। पहाड़ के सबसे ऊंचे स्थान पर जबकि लतीफ टेलीविजन को शैतान का काम और इस्लामी परंपरा के सामने एक तमाचा बताकर अपने प्रयासों को कमजोर करना चाहता है। कहानी लेखक निर्देशक यिल्माज एर्दोगन की बचपन की यादों पर आधारित है। 1970 के दशक की शुरुआत में तुर्की के हकारी में पहले टेलीविजन के आगमन की थी। फिल्म 1970 के दशक के अंत में तुर्की समाज में मुख्य संघर्षों में से एक का प्रतिनिधित्व करने की कोशिश करती है, जो 1980 के दशक में अच्छी तरह से जारी है। धार्मिक बेनाम धर्मनिरपेक्ष समूहों की टी यहाँ हमेशा राजनीतिक व्यवस्था की प्रकृति को लेकर धर्मनिरपेक्ष समूह और धार्मिक समूहों के बीच संघर्ष कर रही है। यह आंशिक रूप से शहर के पादरी की छवि के माध्यम से दिखाया गया है, जो बहुत अधिक हलचल है और हाजिर तौर पर नए आने वाले टेलीविजन के प्रति आतंक महसूस करता है, लेकिन बाद में लतीफा के हाथों का मोहरा बन जाता है। जंगली और मनमुटाव के लिए जाने के लिए बचपन से उनकी कुरान पढ़ने की कक्षा से बचते हैं। आई होप आपको मेरी वीडियो पसंद आई हो तो इसको लाइक करें, शेयर करें और मेरे यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब करें। धन्यवाद। तो माय यूट्यूब चैनल, मेरे यूट्यूब चैनल पर आप सभी का स्वागत है। आज मैं आपको दी जो टेल मूवी के बारे में बताती हूँ। दी जो टेल एक 2001 की तूसी कॉमेडी ड्रामा फिल्म है, जिसे यिल्माज एर्दोगन द्वारा लिखित और निर्देशित किया गया है और लेखक निर्देशक की बचपन की यादों पर आधारित है, जो 1970 के दशक की शुरुआत में उनके गांव में पहले टेलीविजन के आगमन की लेखक निर्देशक की बचपन की यादों पर आधारित है। यह फिल्म जो 2 फरवरी 2001 को राष्ट्रव्यापी रिलीज हुई, ये ने 3 गोल्डन और रेस पुरस्कार जीते और उस तारीख तक सबसे सफल तुर्की फिल्मों में से एक थी। एक सीक्वल जिसका निर्देशक वी जो टेले टूवा है, जिसमें निर्देशक और अधिकांश मूल कलाकार शामिल हैं, 2004 में इसका अनुसरण किया गया। निर्देशक यिल्माज एर्दोगन मेर फारूक सोरा की
द्वारा लिखित यिल माज अद्रो आन द्वारा निर्मित वरन वोला टी अभिनित लिजमा एंद्रो ऑन डे वेट अकवसी अल्तान एरे के सेम सिलमाजी छायकान मेरू फारूक सोरा की द्वारा संपादित मुस्तफा प्रे सेवा संगीत दिया है कादरे तुर्कू कलर उत्पादन कंपनियां वैसी टास कुलू तुर्क म जैसी वो सेक या पिम द्वारा वितरित पांडव ब्रदर्स रिलीज की तारीख 2 फरवरी 2001 तुर्की कार्यकारी समय 110 मिनट देश तुर्की भाषा तुर्की फिल्म को गेवास वैन फ्रत तुर्की में स्थान पर गोली मार दी गई थी। 1970 के दशक में दक्षिण पूर्व तुर्की के एक छोटे से गांव के मेयर अलातान एकल कली ने आलसी अशरवादी लतीफा से जमी फिकिन की गतिविधियों का कड़ा विरोध किया जो ओपन एयर फिल्म स्क्रीनिंग चलते हैं और पहली शुरुआत के साथ गांव के मनोरंजन पर अपने एकाधिकार को तोड़ने का प्रयास करते हैं। टेलीविजन स्थानीय लोगों द्वारा विजेंटेल कहा जाता है। महापौर एनिन यिलमेज एरोडिगन नामक एक पागल इलेक्ट्रॉनिशियन और उसके कार्यालय के कुछ कर्मचारियों को एक टेलीविजन ट्रांसमीटर स्थापित करने में मदद करने के लिए भर्ती करता है। पहाड़ के सबसे ऊंचे स्थान पर जबकि लतीफ टेलीविजन को शैतान का काम और इस्लामी परंपरा के सामने एक तमाचा बताकर अपने प्रयासों को कमजोर करना चाहता है। कहानी लेखक निर्देशक यिलमाज एंदोगन की बचपन की यादों पर आधारित है। 1970 के दशक की शुरुआत में तुर्की के हकारी में पहले टेलीविजन के आगमन की थी। फिल्म 1970 के दशक के अंत में तुर्की समाज में मुख्य संघर्षों में से एक का प्रतिनिधित्व करने की कोशिश करती है जो 1980 के दशक में अच्छी तरह से जारी है। धार्मिक बेनाम धर्मनिरपेक्ष समूहों की टी यहाँ हमेशा राजनीतिक व्यवस्था की प्रकृति को लेकर धर्मनिरपेक्ष समूह और धार्मिक समूहों के बीच संघर्ष कर रही है। यह आंशिक रूप से शहर के पादरी की छवि के माध्यम से दिखाया गया है जो बहुत अधिक हल्क लाता है और हाजिर तौर पर नए आने वाले टेलीविजन के प्रति आतंक महसूस करता है, लेकिन बाद में लतीफा के हाथों का मोहरा बन जाता है। जंगली और मनमुटाव के लिए जाने के लिए बचपन
बच्चे उनकी कुरान पढ़ने की कक्षा से बचते हैं। आई होप आपको मेरी वीडियो पसंद आई हो, तो इसको लाइक करें, शेयर करें और मेरे यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब करें। धन्यवाद। तो माय यूट्यूब चैनल, मेरे यूट्यूब चैनल पर आप सभी का स्वागत है। आज मैं आपको दी जो टेल मूवी के बारे में बताती हूँ। दी जो टेल एक 2001 की तूसी कॉमेडी ड्रामा फिल्म है, जिसे हिल मार्च एंड्रो ऑन द्वारा लिखित और निर्देशित किया गया है और लेखक निर्देशक की बचपन की यादों पर आधारित है, जो 1970 के दशक की शुरुआत में उनके गांव में पहले टेलीविज़न के आगमन की लेखक निर्देशक की बचपन की यादों पर आधारित है। यह फिल्म जो 2 फरवरी 2001 को राष्ट्रव्यापी रिलीज हुई, ये ने 3 गोल्डन और रेस पुरस्कार जीते और उस तारीख तक सबसे सफल तुर्की फिल्मों में से एक थी। एक सीक्वल जिसका निर्देशक वी जो टेले टूबा है, जिसमें निर्देशक और अधिकांश मूल कलाकार शामिल हैं, 2004 में इसका अनुसरण किया गया। निर्देशक हिल मार्च एंड्रो ऑन मेर फारूक सोरा की द्वारा लिखित हिल मार्च एंड्रो ऑन द्वारा निर्मित वरन वोलाटी अभिनीत लिजमा एंड्रो ऑन डेविड अकबसी अल्तान एरे के सेम सिलमाजी छायाकान मेरू फारूक सोरा की द्वारा संपादित मुस्तफा प्रे सेवा संगीत दिया कादरे तुर्कू कलर उत्पादन कंपनियां वैसी टास कुलू तुर्म जैसी वो सेक या पिम द्वारा वितरित पांडव ब्रदर्स। रिलीज की तारीख 2 फरवरी 2001 तुर्की। कार्यकारी समय 110 मिनट। देश तुर्की, भाषा तुर्की। फिल्म को गेवास बैन फ्रत तुर्की में स्थान पर गोली मार दी गई थी। 1970 के दशक में दक्षिण पूर्व तुर्की के एक छोटे से गांव के मेयर अलातान एकल कली ने आलसी अशरवादी लतीफा से जमी फिकिन की गतिविधियों का कड़ा विरोध किया, जो ओपन एयर फिल्म स्क्रीनिंग चलते हैं और पहली शुरुआत के साथ गांव के मनोरंजन पर अपने एकाधिकार को तोड़ने का प्रयास करते हैं। टेलीविज़न स्थानीय लोगों द्वारा विजेंटेल कहा जाता है। महापौर एनिन हिलमेज एरोडिगन नामक एक पागल इलेक्ट्रॉनिशियन और उसके कार्यालय के कुछ कर्मचारियों को एक टेलीविज़न ट्रांसमीटर स्थापित करने में मदद करने के लिए भर्ती करता है। पहाड़ के सबसे ऊंचे स्थान पर जबकि लतीफ टेलीविज़न को शैतान का काम और
इस्लामी परंपरा के सामने एक तमाचा बताकर अपने प्रयासों को कमजोर करना चाहता है। कहानी लेखक निर्देशक यिलमाज एर्दोगन की बचपन की यादों पर आधारित है। 1970 के दशक की शुरुआत में तुर्की के हकारी में पहले टेलीविजन के आगमन की थी। फिल्म 1970 के दशक के अंत में तुर्की समाज में मुख्य संघर्षों में से एक का प्रतिनिधित्व करने की कोशिश करती है, जो 1980 के दशक में अच्छी तरह से जारी है। धार्मिक बेनाम धर्मनिरपेक्ष समूहों की टी यहाँ हमेशा राजनीतिक व्यवस्था की प्रकृति को लेकर धर्मनिरपेक्ष समूह और धार्मिक समूहों के बीच संघर्ष कर रही है। यह आंशिक रूप से शहर के पादरी की छवि के माध्यम से दिखाया गया है, जो बहुत अधिक हल्क लाता है और हाजिर तौर पर नए आने वाले टेलीविजन के प्रति आतंक महसूस करता है, लेकिन बाद में लतीफा के हाथों का मोहरा बन जाता है। जंगली और मनमुटाव के लिए जाने के लिए बचपन से उनकी कुरान पढ़ने की कक्षा से बचते हैं। आई होप आपको मेरी वीडियो पसंद आई हो तो इसको लाइक करें, शेयर करें और मेरे यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब करें। धन्यवाद। तो माय यूट्यूब चैनल, मेरे यूट्यूब चैनल पर आप सभी का स्वागत है। आज मैं आपको बीजो टेल मूवी के बारे में बताती हूँ। बीजो टेल एक 2001 की तूसी कॉमेडी ड्रामा फिल्म है, जिसे यिलमाज एर्दोगन द्वारा लिखित और निर्देशित किया गया है और लेखक निर्देशक की बचपन की यादों पर आधारित है, जो 1970 के दशक की शुरुआत में उनके गांव में पहले टेलीविजन के आगमन की लेखक निर्देशक की बचपन की यादों पर आधारित है। यह फिल्म जो 2 फरवरी 2001 को राष्ट्रव्यापी रिलीज हुई, ये ने 3 गोल्डन और रेस पुरस्कार जीते और उस तारीख तक सबसे सफल तुर्की फिल्मों में से एक थी। एक सीक्वल जिसका निर्देशक वी जो टेले टूवा है, जिसमें निर्देशक और अधिकांश मूल कलाकार शामिल हैं। 2004 में इसका अनुसरण किया गया। निर्देशक यिलमाज एर्दोगन मेर फारूक सोरा की द्वारा लिखित, यिलमाज एर्दोगन द्वारा निर्मित, वरन वोलाटी अभिनीत, लिजमा एर्दोगन, डेविड अकबसी, अल्तान एरेके, सेम सिलमाजी, छायाकान मेरू फारूक सोरा की द्वारा संपादित, मुस्तफा प्रे सेवा, संगीत दिया कादरे तुर्कू कलर, उत्पादन कंपनियां वैसी टास कुलू तुर्क म जेसी वो सेक या पिम्प द्वारा वितरित, पांडव ब्रदर्स। रिलीज की तारीख
2 फरवरी 2001 तुर्की, कार्यकारी समय 110 मिनट, देश तुर्की, भाषा तुर्की, फिल्म को गेवास वैन फ्रतो तुर्की में स्थान पर गोली मार दी गई थी। 1970 के दशक में दक्षिण पूर्व तुर्की के एक छोटे से गांव के मेयर अलातान एकल कली ने आलसी अशरवादी लतीफा से जमी फिकिन की गतिविधियों का कड़ा विरोध किया, जो ओपन एयर फिल्म स्क्रीनिंग चलते हैं और पहली शुरुआत के साथ गांव के मनोरंजन पर अपने एकाधिकार को तोड़ने का प्रयास करते हैं। टेलीविजन स्थानीय लोगों द्वारा विजेंटेल कहा जाता है। महापौर एनिन हिलमेज एरोडिगन नामक एक पागल इलेक्ट्रॉनिशियन और उसके कार्यालय के कुछ कर्मचारियों को एक टेलीविजन ट्रांसमीटर स्थापित करने में मदद करने के लिए भर्ती करता है। पहाड़ के सबसे ऊंचे स्थान पर जबकि लतीफ टेलीविजन को शैतान का काम और इस्लामी परंपरा के सामने एक तमाचा बताकर अपने प्रयासों को कमजोर करना चाहता है। कहानी लेखक निर्देशक यिलमाज एंदोगन की बचपन की यादों पर आधारित है। 1970 के दशक की शुरुआत में तुर्की के हकारी में पहले टेलीविजन के आगमन की थी। फिल्म 1970 के दशक के अंत में तुर्की समाज में मुख्य संघर्षों में से एक का प्रतिनिधित्व करने की कोशिश करती है, जो 1980 के दशक में अच्छी तरह से जारी है। धार्मिक बेनाम धर्मनिरपेक्ष समूहों की टी यहाँ हमेशा राजनीतिक व्यवस्था की प्रकृति को लेकर धर्मनिरपेक्ष समूह और धार्मिक समूहों के बीच संघर्ष कर रही है। यह आंशिक रूप से शहर के पादरी की छवि के माध्यम से दिखाया गया है, जो बहुत अधिक हल्क लाता है और हाजिर तौर पर नए आने वाले टेलीविजन के प्रति भी आतंक महसूस करता है, लेकिन बाद में लतीफा के हाथों का मोहरा बन जाता है। जंगली और मनमुटाव के लिए जाने के लिए बचपन से उनकी कुरान पढ़ने की कक्षा से बचते हैं। आई होप आपको मेरी वीडियो पसंद आई हो तो इसको लाइक करें, शेयर करें और मेरे यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब करें। धन्यवाद। तो माय यूट्यूब चैनल, मेरे यूट्यूब चैनल पर आप सभी का स्वागत है। आज मैं आपको बीजो टेल मूवी के बारे में बताती हूँ। बीजो टेल एक 2001 की तुर्की कॉमेडी ड्रामा फिल्म है, जिसे यिलमाज एंदोगन द्वारा लिखित और निर्देशित किया गया है और लेखक निर्देशक की बचपन की यादों पर आधारित है, जो 1970
के दशक की शुरुआत में उनके गांव में पहले टेलीविज़न के आगमन की लेखक निर्देशक की बचपन की यादों पर आधारित है। यह फिल्म जो 2 फरवरी 2001 को राष्ट्रव्यापी रिलीज हुई, ये ने 3 गोल्डन और रेस पुरस्कार जीते और उस तारीख तक सबसे सफल तुर्की फिल्मों में से एक थी। एक सीक्वल जिसका निर्देशक वी जो टेले टूवा है, जिसमें निर्देशक और अधिकांश मूल कलाकार शामिल हैं, 2004 में इसका अनुसरण किया गया। निर्देशक हिल मार्च एद्रो ऑन मेर फारूक सोरा की द्वारा लिखित हिल मार्च एद्रो ऑन द्वारा निर्मित वरन वोलाटी अभिनीत लिजमा एंद्रो ऑन डेविड अकबसी अल्तान एरे के सेम सिलमाजी छायाकान मेरू फारूक सोरा की द्वारा संपादित मुस्तफा प्रे सेवा संगीत दिया कादरे तुर्कू कलर उत्पादन कंपनियां वैसी टास कुलू तुर्मा जैसी वो सेक या पिम्प द्वारा वितरित पांडव ब्रदर्स रिलीज की तारीख 2 फरवरी 2001 तुर्की कार्यकारी समय 110 मिनट देश तुर्की भाषा तुर्की फिल्म को गेवास वैन प्रत तुर्की में स्थान पर गोली मार दी गई थी। 1970 के दशक में दक्षिण पूर्व तुर्की के एक छोटे से गांव के मेयर अलातान एकल कली ने आलसी अशरवादी लतीफा से जमी फिकिन की गतिविधियों का कड़ा विरोध किया, जो ओपन एयर फिल्म स्क्रीनिंग चलते हैं और पहली शुरुआत के साथ गांव के मनोरंजन पर अपने एकाधिकार को तोड़ने का प्रयास करते हैं। टेलीविज़न स्थानीय लोगों द्वारा विजेंटेल कहा जाता है। महापौर एनिन हिलमेज एरोडिगन नामक एक पागल इलेक्ट्रॉनिशियन और उसके कार्यालय के कुछ कर्मचारियों को एक टेलीविज़न ट्रांसमीटर स्थापित करने में मदद करने के लिए भर्ती करता है। पहाड़ के सबसे ऊंचे स्थान पर जबकि लतीफ टेलीविज़न को शैतान का काम और इस्लामी परंपरा के सामने एक तमाचा बताकर अपने प्रयासों को कमज़ोर करना चाहता है। कहानी लेखक निर्देशक यिलमाज एंदोगन की बचपन की यादों पर आधारित है। 1970 के दशक की शुरुआत में तुर्की के हकारी में पहले टेलीविज़न के आगमन की थी। फिल्म 1970 के दशक के अंत में तुर्की समाज में मुख्य संघर्षों में से एक का
प्रतिनिधित्व करने की कोशिश करती है, जो 1980 के दशक में अच्छी तरह से जारी है। धार्मिक बेनाम धर्मनिरपेक्ष समूहों की टी यहाँ हमेशा राजनीतिक व्यवस्था की प्रकृति को लेकर धर्मनिरपेक्ष समूह और धार्मिक समूहों के बीच संघर्ष कर रही है। यह आंशिक रूप से शहर के पादरी की छवि के माध्यम से दिखाया गया है, जो बहुत अधिक हल्क लाता है और हाजिर तौर पर नए आने वाले टेलीविजन के प्रति भी आतंक महसूस करता है, लेकिन बाद में लतीफा के हाथों का मोहरा बन जाता है। जंगली और मनमुटाव के लिए जाने के लिए बचपन से उनकी कुरान पढ़ने की कक्षा से बचते हैं। आई होप आपको मेरी वीडियो पसंद आई हो तो इसको लाइक करें, शेयर करें और मेरे यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब करें। धन्यवाद। तो माय यूट्यूब चैनल, मेरे यूट्यूब चैनल पर आप सभी का स्वागत है। आज मैं आपको दी जो टेल मूवी के बारे में बताती हूँ। दी जो टेल एक 2001 की तूसी कॉमेडी ड्रामा फिल्म है, जिसे हिल मार्च एंड्रो ऑन द्वारा लिखित और निर्देशित किया गया है और लेखक निर्देशक की बचपन की यादों पर आधारित है, जो 1970 के दशक की शुरुआत में उनके गांव में पहले टेलीविज़न के आगमन की लेखक निर्देशक की बचपन की यादों पर आधारित है। यह फिल्म जो 2 फरवरी 2001 को राष्ट्रव्यापी रिलीज हुई, ये ने 3 गोल्डन और रेस पुरस्कार जीते और उस तारीख तक सबसे सफल तुर्की फिल्मों में से एक थी। एक सीक्वल जिसका निर्देशक वी जो टेले टूवा है, जिसमें निर्देशक और अधिकांश मूल कलाकार शामिल हैं, 2004 में इसका अनुसरण किया गया। निर्देशक हिल मार्च एड्रो ऑन मेर फारूक सोरा की द्वारा लिखित हिल मार्च एड्रो ऑन द्वारा निर्मित वरन वोलाटी अभिनीत लिजमा एड्रो ऑन डेविड अकबसी अल्तान एरे के सेम सिलमाजी छायाकान मेरू फारूक सोरा की द्वारा संपादित मुस्तफा प्रे सेवा संगीत दिया कादरे तुर्कू कलर उत्पादन कंपनियां वैसी टास कुलू तुर्म जैसी वो सेक या पिम्प द्वारा वितरित पांडव ब्रदर्स। रिलीज की तारीख 2 फरवरी 2001 तुर्की। कार्यकारी समय 110 मिनट। देश तुर्की, भाषा तुर्की। फिल्म को गेवास वैन प्रत तुर्की में स्थान पर गोली मार दी गई थी। 1970 के दशक में दक्षिण पूर्व तुर्की के एक छोटे से गांव के मेयर अलातान एकल कली ने आलसी अशरवादी लतीफा से जमी फ्रीकिन की गतिविधियों का कड़ा विरोध किया, जो ओपन एयर फिल्म स्क्रीनिंग चलते हैं
और पहली शुरुआत के साथ गांव के मनोरंजन पर अपने एकाधिकार को तोड़ने का प्रयास करते हैं। टेलीविज़न स्थानीय लोगों द्वारा विजेंटेल कहा जाता है। महापौर एनिन हिलमेज एरोडिगन नामक एक पागल इलेक्ट्रॉनिशियन और उसके कार्यालय के कुछ कर्मचारियों को एक टेलीविज़न ट्रांसमीटर स्थापित करने में मदद करने के लिए भर्ती करता है। पहाड़ के सबसे ऊंचे स्थान पर जबकि लतीफ टेलीविज़न को शैतान का काम और इस्लामी परंपरा के सामने एक तमाचा बताकर अपने प्रयासों को कमज़ोर करना चाहता है। कहानी लेखक निर्देशक यिलमाज एर्दोगन की बचपन की यादों पर आधारित है। 1970 के दशक की शुरुआत में तुर्की के हकारी में पहले टेलीविज़न के आगमन की थी। फिल्म 1970 के दशक के अंत में तुर्की समाज में मुख्य संघर्षों में से एक का प्रतिनिधित्व करने की कोशिश करती है, जो 1980 के दशक में अच्छी तरह से जारी है। धार्मिक बेनाम धर्मनिरपेक्ष समूहों की टी यहाँ हमेशा राजनीतिक व्यवस्था की प्रकृति को लेकर धर्मनिरपेक्ष समूह और धार्मिक समूहों के बीच संघर्ष कर रही है। यह आंशिक रूप से शहर के पादरी की छवि के माध्यम से दिखाया गया है, जो बहुत अधिक हल लाता है और हाजिर तौर पर नए आने वाले टेलीविज़न के प्रति भी आतंक महसूस करता है, लेकिन बाद में लतीफ़ा के हाथों का मोहरा बन जाता है। जंगली और मनमुटाव के लिए जाने के लिए बचपन से उनकी कुरान पढ़ने की कक्षा से बचते हैं। आई होप आपको मेरी वीडियो पसंद आई हो तो इसको लाइक करें, शेयर करें और मेरे यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब करें। धन्यवाद। मेरे यूट्यूब चैनल पर आप सभी का स्वागत है। आज मैं आपको दी जो टेल मूवी के बारे में बताती हूँ। दी जो टेल एक 2001 की तुर्की कॉमेडी ड्रामा फिल्म है, जिसे यिलमाज एर्दोगन द्वारा लिखित और निर्देशित किया गया है और लेखक निर्देशक की बचपन की यादों पर आधारित है, जो 1970 के दशक की शुरुआत में उनके गांव में पहले टेलीविज़न के आगमन की लेखक निर्देशक की बचपन की यादों पर आधारित है। यह फिल्म जो 2 फरवरी 2001 को राष्ट्रव्यापी रिलीज हुई, ये ने 3 गोल्डन और रेस पुरस्कार जीते और उस तारीख तक सबसे सफल तुर्की फिल्मों में से एक थी। एक सीक्वल जिसका निर्देशक वी जो टेले टूवा है, जिसमें निर्देशक
और अधिकांश मूल कलाकार शामिल हैं। 2004 में इसका अनुसरण किया गया। निर्देशक हिल मार्च एड्रो ऑन मेर फारूक सोरा की द्वारा लिखित हिल मार्च एड्रो ऑन द्वारा निर्मित वरन वोलाटी अभिनीत लिजमा एंड्रो ऑन डेविड अकवसी अल्तान एरे के सेम सिल्माजी छायाकार मेरू फारूक सोरा की द्वारा संपादित मुस्तफा प्रेसेवा संगीत ध्याय कादरे तुर्कू कलर उत्पादन कंपनियां वैसी टास कुलू तुर मेसी वो सेक या पिम्प द्वारा वितरित पांडव ब्रदर्स रिलीज की तारीख 2 फरवरी 2001 तुर्की कार्यकारी समय 110 मिनट देश तुर्की भाषा तुर्की फिल्म को गेवास वैन प्रत तुर्की में स्थान पर गोली मार दी गई थी। 1970 के दशक में दक्षिण पूर्व तुर्की के एक छोटे से गांव के मेयर अलातान एकल कली ने आलसी अशरवादी लतीफा से जमी फ्रीकिन की गतिविधियों का कड़ा विरोध किया जो ओपन एयर फिल्म स्क्रीनिंग चलते हैं और पहली शुरुआत के साथ गांव के मनोरंजन पर अपने एकाधिकार को तोड़ने का प्रयास करते हैं। टेलीविजन स्थानीय लोगों द्वारा विजेंटेल कहा जाता है। महापौर एनिन हिलमेज एरोडिगन नामक एक पागल इलेक्ट्रॉनिशियन और उसके कार्यालय के कुछ कर्मचारियों को एक टेलीविजन ट्रांसमीटर स्थापित करने में मदद करने के लिए भर्ती करता है। पहाड़ के सबसे ऊंचे स्थान पर जबकि लतीफ टेलीविजन को शैतान का काम और इस्लामी परंपरा के सामने एक तमाचा बताकर अपने प्रयासों को कमजोर करना चाहता है। कहानी लेखक निर्देशक यिलमाज एंदोगन की बचपन की यादों पर आधारित है। 1970 के दशक की शुरुआत में तुर्की के हकारी में पहले टेलीविजन के आगमन की थी। फिल्म 1970 के दशक के अंत में तुर्की समाज में मुख्य संघर्षों में से एक का प्रतिनिधित्व करने की कोशिश करती है, जो 1980 के दशक में अच्छी तरह से जारी है। धार्मिक बेनाम धर्मनिरपेक्ष समूहों की टी यहाँ हमेशा राजनीतिक व्यवस्था की प्रकृति को लेकर धर्मनिरपेक्ष समूह और धार्मिक समूहों के बीच संघर्ष कर रही है। यह आंशिक रूप से शहर के पादरी की छवि के माध्यम से दिखाया गया है, जो बहुत अधिक हल्क लाता है और हाजिर तौर पर नए आने वाले
टेलीविज़न के प्रति भी आतंक महसूस करता है, लेकिन बाद में लतीफ़ा के हाथों का मोहरा बन जाता है। जंगली और मनमुटाव के लिए जाने के लिए बचपन से उनकी कुरान पढ़ने की कक्षा से बचते हैं। आई होप आपको मेरी वीडियो पसंद आई हो, तो इसको लाइक करें, शेयर करें और मेरे यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब करें। धन्यवाद। तो माय यूट्यूब चैनल, मेरे यूट्यूब चैनल पर आप सभी का स्वागत है। आज मैं आपको दी जो टेल मूवी के बारे में बताती हूँ। दी जो टेल एक 2001 की तुसी कॉमेडी ड्रामा फिल्म है, जिसे हिल मार्च एंड्रो ऑन द्वारा लिखित और निर्देशित किया गया है और लेखक निर्देशक की बचपन की यादों पर आधारित है, जो 1970 के दशक की शुरुआत में उनके गांव में पहले टेलीविज़न के आगमन की लेखक निर्देशक की बचपन की यादों पर आधारित है। यह फिल्म जो 2 फरवरी 2001 को राष्ट्रव्यापी रिलीज हुई, ये ने 3 गोल्डन और रेस पुरस्कार जीते और उस तारीख तक सबसे सफल तुर्की फिल्मों में से एक थी। एक सीक्वल जिसका निर्देशक वी जो टेली टूवा है, जिसमें निर्देशक और अधिकांश मूल कलाकार शामिल हैं। 2004 में इसका अनुसरण किया गया। निर्देशक हिल मार्च एंड्रो ऑन मेर फारूक सोरा की द्वारा लिखित यिल माज अद्रोआन द्वारा निर्मित वरन वोलाटी अभिनीत लिजमा एंड्रोआन डेविड अकवसी अल्तान एरे के सेम सिलमाजी छायाकान मेरू फारूक सोरा की द्वारा संपादित मुस्तफा प्रे सेवा संगीत दिया कादरे तुर्कू कलर उत्पादन कंपनियां वैसी टास कुलू तुर्मा जैसी वो से या पिम्स द्वारा वितरित पांडव ब्रदर्स। रिलीज की तारीख 2 फरवरी 2001 तुर्की। कार्यकारी समय 110 मिनट। देश तुर्की। भाषा तुर्की। फिल्म को गेवास वैन प्रत तुर्की में स्थान पर गोली मार दी गई थी। 1970 के दशक में दक्षिण पूर्व तुर्की के एक छोटे से गांव के मेयर अलातान एकल कली ने आलसी अशरवादी लतीफा से जमी फ्रीकिन की गतिविधियों का कड़ा विरोध किया, जो ओपन एयर फिल्म स्क्रीनिंग चलते हैं और पहली शुरुआत के साथ गांव के मनोरंजन पर अपने एकाधिकार को तोड़ने का प्रयास करते हैं। टेलीविज़न स्थानीय लोगों द्वारा विजन टेल कहा जाता है। महापौर एनिन हिलमेज एरोडीगन नामक एक पागल इलेक्ट्रॉनिशियन और उसके कार्यालय के कुछ कर्मचारियों को एक टेलीविज़न ट्रांसमीटर स्थापित करने में मदद करने के लिए
भर्ती करता है। पहाड़ के सबसे ऊंचे स्थान पर जबकि लतीफ टेलीविजन को शैतान का काम और इस्लामी परंपरा के सामने एक तमाचा बताकर अपने प्रयासों को कमजोर करना चाहता है। कहानी लेखक निर्देशक यिलमाज एर्दोगन की बचपन की यादों पर आधारित है। 1970 के दशक की शुरुआत में तुर्की के हकारी में पहले टेलीविजन के आगमन की थी। फिल्म 1970 के दशक के अंत में तुर्की समाज में मुख्य संघर्षों में से एक का प्रतिनिधित्व करने की कोशिश करती है, जो 1980 के दशक में अच्छी तरह से जारी है। धार्मिक बेनाम धर्मनिरपेक्ष समूहों की टी यहाँ हमेशा राजनीतिक व्यवस्था की प्रकृति को लेकर धर्मनिरपेक्ष समूह और धार्मिक समूहों के बीच संघर्ष कर रही है। यह आंशिक रूप से शहर के पादरी की छवि के माध्यम से दिखाया गया है, जो बहुत अधिक हल लाता है और हाजिर तौर पर नए आने वाले टेलीविजन के प्रति भी आतंक महसूस करता है, लेकिन बाद में लतीफा के हाथों का मोहरा बन जाता है। जंगली और मनमुटाव के लिए जाने के लिए बचपन से उनकी कुरान पढ़ने की कक्षा से बचते हैं। आई होप आपको मेरी वीडियो पसंद आई हो तो इसको लाइक करें, शेयर करें और मेरे यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब करें। धन्यवाद। तो माय यूट्यूब चैनल, मेरे यूट्यूब चैनल पर आप सभी का स्वागत है। आज मैं आपको दी जो टेल मूवी के बारे में बताती हूँ। दी जो टेल एक 2001 की तूसी कॉमेडी ड्रामा फिल्म है, जिसे यिलमाज एर्दोगन द्वारा लिखित और निर्देशित किया गया है और लेखक निर्देशक की बचपन की यादों पर आधारित है, जो 1970 के दशक की शुरुआत में उनके गांव में पहले टेलीविजन के आगमन की लेखक निर्देशक की बचपन की यादों पर आधारित है। यह फिल्म जो 2 फरवरी 2001 को राष्ट्रव्यापी रिलीज हुई, ये ने 3 गोल्डन और रेस पुरस्कार जीते और उस तारीख तक सबसे सफल तुर्की फिल्मों में से एक थी। एक सीक्वल जिसका निर्देशक वी जो टेली टूवा है, जिसमें निर्देशक और अधिकांश मूल कलाकार शामिल हैं, 2004 में इसका अनुसरण किया गया। निर्देशक यिलमाज एर्दोगन मेर फारूक सोरा की द्वारा लिखित, यिलमाज एर्दोगन द्वारा निर्मित वरन वोलाटी अभिनीत, लिजमा एर्दोगन डेविड अकबसी अल्तान एरे के सेम सिलमाजी छायाकान मेरू फारूक सोरा की द्वारा संपादित मुस्तफा प्रे सेवा, संगीत दिया कादरे तुर्कू
कलर उत्पादन कंपनियां वैसी टास कुलूतुर मचेसी वो सेक या पिम्प द्वारा वितरित पांडव ब्रदर्स रिलीज की तारीख 2 फरवरी 2001 तुर्की कार्यकारी समय 110 मिनट देश तुर्की भाषा तुर्की फिल्म को गेवास वेनफ्रत तुर्की में स्थान पर गोली मार दी गई थी। 1970 के दशक में दक्षिण पूर्व तुर्की के एक छोटे से गांव के मेयर अलातान एकल कली ने आलसी अशरवादी लतीफा से जमी फ्रीकिन की गतिविधियों का कड़ा विरोध किया जो ओपन एयर फिल्म स्क्रीनिंग चलते हैं और पहली शुरुआत के साथ गांव के मनोरंजन पर अपने एकाधिकार को तोड़ने का प्रयास करते हैं। टेलीविजन स्थानीय लोगों द्वारा विजन टेल कहा जाता है। महापौर एनिन यिलमेज एरोडिगन नामक एक पागल इलेक्ट्रॉनिशियन और उसके कार्यालय के कुछ कर्मचारियों को एक टेलीविजन ट्रांसमीटर स्थापित करने में मदद करने के लिए भर्ती करता है। पहाड़ के सबसे ऊंचे स्थान पर जबकि लतीफ टेलीविजन को शैतान का काम और इस्लामी परंपरा के सामने एक तमाचा बताकर अपने प्रयासों को कमजोर करना चाहता है। कहानी लेखक निर्देशक यिलमाज एंदोगन की बचपन की यादों पर आधारित है। 1970 के दशक की शुरुआत में तुर्की के हकारी में पहले टेलीविजन के आगमन की थी। फिल्म 1970 के दशक के अंत में तुर्की समाज में मुख्य संघर्षों में से एक का प्रतिनिधित्व करने की कोशिश करती है जो 1980 के दशक में अच्छी तरह से जारी है। धार्मिक बेनाम धर्मनिरपेक्ष समूहों की टी यहाँ हमेशा राजनीतिक व्यवस्था की प्रकृति को लेकर धर्मनिरपेक्ष समूह और धार्मिक समूहों के बीच संघर्ष कर रही है। यह आंशिक रूप से शहर के पादरी की छवि के माध्यम से दिखाया गया है जो बहुत अधिक हल्क लाता है और हाजिर तौर पर नए आने वाले टेलीविजन के प्रति भी आतंक महसूस करता है, लेकिन बाद में लतीफा के हाथों का मोहरा बन जाता है। जंगली और मनमुटाव के लिए जाने के लिए बचपन से उनकी कुरान पढ़ने की कक्षा से बचते हैं। आई होप आपको मेरी वीडियो पसंद आई हो तो इसको लाइक करें, शेयर करें और मेरे यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब करें। धन्यवाद। तो माय यूट्यूब चैनल मेरे यूट्यूब चैनल पर आप सभी का स्वागत है। आज मैं आपको दी जो टेल मूवी के बारे में बताती हूँ। दी जो टेल एक 2001 की तुर्की कॉमेडी ड्रामा फिल्म है जिसे यिलमाज एंदोगन द्वारा लिखित और निर्देशित
किया गया है और लेखक निर्देशक की बचपन की यादों पर आधारित है, जो 1970 के दशक की शुरुआत में उनके गांव में पहले टेलीविज़न के आगमन की लेखक निर्देशक की बचपन की यादों पर आधारित है। यह फिल्म जो 2 फरवरी 2001 को राष्ट्रव्यापी रिलीज हुई, ये ने 3 गोल्डन और रेस पुरस्कार जीते और उस तारीख तक सबसे सफल तुर्की फिल्मों में से एक थी। एक सीक्वल जिसका निर्देशक वी जो टेली टूवा है, जिसमें निर्देशक और अधिकांश मूल कलाकार शामिल हैं, 2004 में इसका अनुसरण किया गया। निर्देशक हिल मार्च एद्रो ऑन मेर फारूक सोरा की द्वारा लिखित हिल मार्च एद्रो ऑन द्वारा निर्मित वरन वोलाटी अभिनीत लिजमा एंद्रो ऑन डेविड अकबसी अल्तान एरे के सेम सिलमाजी छायाकान मेरू फारूक सोरा की द्वारा संपादित मुस्तफा प्रे सेवा संगीत दिया कादरे तुर्कू कलर उत्पादन कंपनियां वैसी टास कुलू तुर्मा जैसी वो सेक या पिम्प द्वारा वितरित पांडव ब्रदर्स रिलीज की तारीख 2 फरवरी 2001 तुर्की कार्यकारी समय 110 मिनट देश तुर्की भाषा तुर्की फिल्म को गेवास वैन फ्रत तुर्की में स्थान पर गोली मार दी गई थी। 1970 के दशक में दक्षिण पूर्व तुर्की के एक छोटे से गांव के मेयर अलातान एकल कली ने आलसी अशरवादी लतीफा से जमी फ्रीकिन की गतिविधियों का कड़ा विरोध किया, जो ओपन एयर फिल्म स्क्रीनिंग चलते हैं और पहली शुरुआत के साथ गांव के मनोरंजन पर अपने एकाधिकार को तोड़ने का प्रयास करते हैं। टेलीविज़न स्थानीय लोगों द्वारा विजेंटेल कहा जाता है। महापौर एनिन यिल्मेज एरोडीगन नामक एक पागल इलेक्ट्रॉनिशियन और उसके कार्यालय के कुछ कर्मचारियों को एक टेलीविज़न ट्रांसमीटर स्थापित करने में मदद करने के लिए भर्ती करता है। पहाड़ के सबसे ऊंचे स्थान पर जबकि लतीफ टेलीविज़न को शैतान का काम और इस्लामी परंपरा के सामने एक तमाचा बताकर अपने प्रयासों को कमज़ोर करना चाहता है। कहानी लेखक निर्देशक यिल्माज एर्दोगन की बचपन की यादों पर आधारित है। 1970 के दशक की शुरुआत में तुर्की के हकारी में पहले टेलीविज़न के आगमन
की थी। फिल्म 1970 के दशक के अंत में तुर्की समाज में मुख्य संघर्षों में से एक का प्रतिनिधित्व करने की कोशिश करती है, जो 1980 के दशक में अच्छी तरह से जारी है। धार्मिक बेनाम धर्मनिरपेक्ष समूहों की टी यहाँ हमेशा राजनीतिक व्यवस्था की प्रकृति को लेकर धर्मनिरपेक्ष समूह और धार्मिक समूहों के बीच संघर्ष कर रही है। यह आंशिक रूप से शहर के पादरी की छवि के माध्यम से दिखाया गया है, जो बहुत अधिक हल्क लाता है और हाजिर तौर पर नए आने वाले टेलीविजन के प्रति आतंक महसूस करता है, लेकिन बाद में लतीफा के हाथों का मोहरा बन जाता है। जंगली और मनमुटाव के लिए जाने के लिए बचपन से उनकी कुरान पढ़ने की कक्षा से बचते हैं। आई होप आपको मेरी वीडियो पसंद आई हो तो इसको लाइक करें, शेयर करें और मेरे यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब करें। धन्यवाद। तो माय यूट्यूब चैनल, मेरे यूट्यूब चैनल पर आप सभी का स्वागत है। आज मैं आपको दी जो टेल मूवी के बारे में बताती हूँ। दी जो टेल एक 2001 की तुर्की कॉमेडी ड्रामा फिल्म है, जिसे यिल्माज एंद्रोन द्वारा लिखित और निर्देशित किया गया है और लेखक निर्देशक की बचपन की यादों पर आधारित है, जो 1970 के दशक की शुरुआत में उनके गांव में पहले टेलीविज़न के आगमन की लेखक निर्देशक की बचपन की यादों पर आधारित है। यह फिल्म जो 2 फरवरी 2001 को राष्ट्रव्यापी रिलीज हुई, ये ने 3 गोल्डन और रेस पुरस्कार जीते और उस तारीख तक सबसे सफल तुर्की फिल्मों में से एक थी। एक सीक्वल जिसका निर्देशक वी जो टेले टूवा है, जिसमें निर्देशक और अधिकांश मूल कलाकार शामिल हैं, 2004 में इसका अनुसरण किया गया। निर्देशक यिल्माज एंद्रोन मेर फारूक सोरा की द्वारा लिखित, यिल्माज एंद्रोन द्वारा निर्मित वरन वोलाटी अभिनीत, लिज्मा एंद्रोन डेविड अकबसी अल्तान एरे के सेम सिलमाजी छायाकान मेरू फारूक सोरा की द्वारा संपादित, मुस्तफा प्रे सेवा संगीत दिया कादरे तुर्कू कलर उत्पादन कंपनियां वैसी टास कुलू तुर जैसी वो से या पिम्प द्वारा वितरित, पांडव ब्रदर्स रिलीज की तारीख 2 फरवरी 2001 तुर्की, कार्यकारी समय 110 मिनट, देश तुर्की, भाषा तुर्की। फिल्म को गेवास बैन फ्रत तुर्की में स्थान पर गोली मार दी गई थी। 1970 के दशक में दक्षिण पूर्व तुर्की के एक छोटे से गांव के मेयर अलातान एकल कली ने आलसी
अशरवादी लतीफा से जमी फ्रीकिन की गतिविधियों का कड़ा विरोध किया, जो ओपन एयर फिल्म स्क्रीनिंग चलते हैं और पहली शुरुआत के साथ गांव के मनोरंजन पर अपने एकाधिकार को तोड़ने का प्रयास करते हैं। टेलीविजन स्थानीय लोगों द्वारा विजन टेल कहा जाता है। महापौर एनिन यिल्मेज एरोडिगन नामक एक पागल इलेक्ट्रॉनिशियन और उसके कार्यालय के कुछ कर्मचारियों को एक टेलीविजन ट्रांसमीटर स्थापित करने में मदद करने के लिए भर्ती करता है। पहाड़ के सबसे ऊंचे स्थान पर जबकि लतीफ टेलीविजन को शैतान का काम और इस्लामी परंपरा के सामने एक तमाचा बताकर अपने प्रयासों को कमजोर करना चाहता है। कहानी लेखक निर्देशक यिल्माज एर्दोगन की बचपन की यादों पर आधारित है। 1970 के दशक की शुरुआत में तुर्की के हकारी में पहले टेलीविजन के आगमन की थी। फिल्म 1970 के दशक के अंत में तुर्की समाज में मुख्य संघर्षों में से एक का प्रतिनिधित्व करने की कोशिश करती है, जो 1980 के दशक में अच्छी तरह से जारी है। धार्मिक बेनाम धर्मनिरपेक्ष समूहों की टी यहाँ हमेशा राजनीतिक व्यवस्था की प्रकृति को लेकर धर्मनिरपेक्ष समूह और धार्मिक समूहों के बीच संघर्ष कर रही है। यह आंशिक रूप से शहर के पादरी की छवि के माध्यम से दिखाया गया है, जो बहुत अधिक हल्क लाता है और हाजिर तौर पर नए आने वाले टेलीविजन के प्रति आतंक महसूस करता है, लेकिन बाद में लतीफा के हाथों का मोहरा बन जाता है। जंगली और मनमुटाव के लिए जाने के लिए बचपन से उनकी कुरान पढ़ने की कक्षा से बचते हैं। आई होप आपको मेरी वीडियो पसंद आई हो तो इसको लाइक करें, शेयर करें और मेरे यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब करें। धन्यवाद। तो माय यूट्यूब चैनल, मेरे यूट्यूब चैनल पर आप सभी का स्वागत है। आज मैं आपको दी जो टेल मूवी के बारे में बताती हूँ। दी जो टेल एक 2001 की तूसी कॉमेडी ड्रामा फिल्म है, जिसे हिल मार्च एंड्रो ऑन द्वारा लिखित और निर्देशित किया गया है और लेखक निर्देशक की बचपन की यादों पर आधारित है, जो 1970 के दशक की शुरुआत में उनके गांव में पहले टेलीविज़न के आगमन की लेखक निर्देशक की बचपन की यादों पर आधारित है। यह फिल्म जो 2 फरवरी 2001 को राष्ट्रव्यापी रिलीज हुई, ये ने 3 गोल्डन और रेस पुरस्कार जीते और उस तारीख
तक सबसे सफल तुर्की फिल्मों में से एक थी। एक सीक्वल जिसका निर्देशक वी जो टेली टूवा है, जिसमें निर्देशक और अधिकांश मूल कलाकार शामिल हैं, 2004 में इसका अनुसरण किया गया। निर्देशक हिल मार्च एद्रो ऑन मेर फारूक सोरा की द्वारा लिखित हिल मार्च एद्रो ऑन द्वारा निर्मित वरन वोलाटी अभिनीत लिजमा एंद्रो ऑन डेविड अकवसी अल्तान एरे के सेम सिलमाजी छायाकान मेरू फारूक सोरा की द्वारा संपादित मुस्तफा प्रेसेवा संगीत दिया कादरे तुर्कू कलर उत्पादन कंपनियां वैसी टास कुलू तुर मेसी वो सेक या पिम द्वारा वितरित पांडव ब्रदर्स रिलीज की तारीख 2 फरवरी 2001 तुर्की कार्यकारी समय 110 मिनट देश तुर्की भाषा तुर्की फिल्म को गेवास बैन फ्रत तुर्की में स्थान पर गोली मार दी गई थी। 1970 के दशक में दक्षिण पूर्व तुर्की के एक छोटे से गांव के मेयर अलातान एकल कली ने आलसी अशरवादी लतीफा से जमी फिकिन की गतिविधियों का कड़ा विरोध किया, जो ओपन एयर फिल्म स्क्रीनिंग चलते हैं और पहली शुरुआत के साथ गांव के मनोरंजन पर अपने एकाधिकार को तोड़ने का प्रयास करते हैं। टेलीविजन स्थानीय लोगों द्वारा विजेंटेल कहा जाता है। महापौर एनिन यिल्मेज एरोडिगन नामक एक पागल इलेक्ट्रॉनिशियन और उसके कार्यालय के कुछ कर्मचारियों को एक टेलीविजन ट्रांसमीटर स्थापित करने में मदद करने के लिए भर्ती करता है। पहाड़ के सबसे ऊंचे स्थान पर जबकि लतीफ टेलीविजन को शैतान का काम और इस्लामी परंपरा के सामने एक तमाचा बताकर अपने प्रयासों को कमजोर करना चाहता है। कहानी लेखक निर्देशक यिल्माज एंदोगन की बचपन की यादों पर आधारित है। 1970 के दशक की शुरुआत में तुर्की के हकारी में पहले टेलीविजन के आगमन की थी। फिल्म 1970 के दशक के अंत में तुर्की समाज में मुख्य संघर्षों में से एक का प्रतिनिधित्व करने की कोशिश करती है, जो 1980 के दशक में अच्छी तरह से जारी है। धार्मिक बेनाम धर्मनिरपेक्ष समूहों की टी यहाँ हमेशा राजनीतिक व्यवस्था की प्रकृति को लेकर धर्मनिरपेक्ष समूह और धार्मिक समूहों के बीच
संघर्ष कर रही है। यह आंशिक रूप से शहर के फादरी की छवि के माध्यम से दिखाया गया है, जो बहुत अधिक हल्क लाता है और हाजिर तौर पर नए आने वाले टेलीविजन के प्रति भी आतंक महसूस करता है, लेकिन बाद में लतीफा के हाथों का मोहरा बन जाता है। जंगली और मनमुटाव के लिए जाने के लिए बचपन से उनकी कुरान पढ़ने की कक्षा से बचते हैं। आई होप आपको मेरी वीडियो पसंद आई हो तो इसको लाइक करें, शेयर करें और मेरे यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब करें। धन्यवाद। तो माई यूट्यूब चैनल, मेरे यूट्यूब चैनल पर आप सभी का स्वागत है। आज मैं आपको दी जो टेल मूवी के बारे में बताती हूँ। दी जो टेल एक 2001 की तूसी कॉमेडी ड्रामा फिल्म है, जिसे हिल मार्च एंड्रो ऑन द्वारा लिखित और निर्देशित किया गया है और लेखक निर्देशक की बचपन की यादों पर आधारित है, जो 1970 के दशक की शुरुआत में उनके गांव में पहले टेलीविज़न के आगमन की लेखक निर्देशक की बचपन की यादों पर आधारित है। यह फिल्म जो 2 फरवरी 2001 को राष्ट्रव्यापी रिलीज हुई, ये ने 3 गोल्डन और रेस पुरस्कार जीते और उस तारीख तक सबसे सफल तुर्की फिल्मों में से एक थी। एक सीक्वल जिसका निर्देशक वी जो टेले टूवा है, जिसमें निर्देशक और अधिकांश मूल कलाकार शामिल हैं, 2004 में इसका अनुसरण किया गया। निर्देशक हिल मार्च एंड्रो ऑन मेर फारूक सोरा की द्वारा लिखित हिल मार्च एंड्रो ऑन द्वारा निर्मित वरन वोलाटी अभिनीत लिजमा एंड्रो ऑन डेविड अकबसी अल्तान एरे के सेम सिलमाजी छायाकान मेरू फारूक सोरा की द्वारा संपादित मुस्तफा प्रे सेवा संगीत दिया कादरे तुर्कू कलर उत्पादन कंपनियां वैसी टास कुलू तुर्मेसी वो सेक या पिम द्वारा वितरित पांडव ब्रदर्स रिलीज की तारीख 2 फरवरी 2001 तुर्की कार्यकारी समय 110 मिनट देश तुर्की भाषा तुर्की फिल्म को गेवास बेन फ्रत तुर्की में स्थान पर गोली मार दी गई थी। 1970 के दशक में दक्षिण पूर्व तुर्की के एक छोटे से गांव के मेयर अलातान एकल कली ने आलसी अशरवादी लतीफा से जमी फिकिन की गतिविधियों का कड़ा विरोध किया, जो ओपन एयर फिल्म स्क्रीनिंग चलते हैं और पहली शुरुआत के साथ गांव के मनोरंजन पर अपने एकाधिकार को तोड़ने का प्रयास करते हैं। टेलीविजन स्थानीय लोगों द्वारा विजन टेल कहा जाता है। महापौर एनिन हिलमेज एरोडिगन नामक एक पागल इलेक्ट्रॉनिशियन
और उसके कार्यालय के कुछ कर्मचारियों को एक टेलीविज़न ट्रांसमीटर स्थापित करने में मदद करने के लिए भर्ती करता है। पहाड़ के सबसे ऊंचे स्थान पर जबकि लतीफ टेलीविज़न को शैतान का काम और इस्लामी परंपरा के सामने एक तमाचा बताकर अपने प्रयासों को कमज़ोर करना चाहता है। कहानी लेखक निर्देशक यिलमाज एर्दोगन की बचपन की यादों पर आधारित है। 1970 के दशक की शुरुआत में तुर्की के हकारी में पहले टेलीविज़न के आगमन की थी। फिल्म 1970 के दशक के अंत में तुर्की समाज में मुख्य संघर्षों में से एक का प्रतिनिधित्व करने की कोशिश करती है, जो 1980 के दशक में अच्छी तरह से जारी है। धार्मिक बेनाम धर्मनिरपेक्ष समूहों की टी यहाँ हमेशा राजनीतिक व्यवस्था की प्रकृति को लेकर धर्मनिरपेक्ष समूह और धार्मिक समूहों के बीच संघर्ष कर रही है। यह आंशिक रूप से शहर के पादरी की छवि के माध्यम से दिखाया गया है, जो बहुत अधिक हल्क लाता है और हाजिर तौर पर नए आने वाले टेलीविज़न के प्रति आतंक महसूस करता है, लेकिन बाद में लतीफ़ा के हाथों का मोहरा बन जाता है। जंगली और मनमुटाव के लिए जाने के लिए बचपन से उनकी कुरान पढ़ने की कक्षा से बचते हैं। आई होप आपको मेरी वीडियो पसंद आई हो तो इसको लाइक करें, शेयर करें और मेरे यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब करें। धन्यवाद। तो माय यूट्यूब चैनल, मेरे यूट्यूब चैनल पर आप सभी का स्वागत है। आज मैं आपको दी जो टेल मूवी के बारे में बताती हूँ। दी जो टेल एक 2001 की तूसी कॉमेडी ड्रामा फिल्म है, जिसे यिलमाज एर्दोगन द्वारा लिखित और निर्देशित किया गया है और लेखक निर्देशक की बचपन की यादों पर आधारित है, जो 1970 के दशक की शुरुआत में उनके गांव में पहले टेलीविज़न के आगमन की लेखक निर्देशक की बचपन की यादों पर आधारित है। यह फिल्म जो 2 फरवरी 2001 को राष्ट्रव्यापी रिलीज हुई, ये ने 3 गोल्डन और रेस पुरस्कार जीते और उस तारीख तक सबसे सफल तुर्की फिल्मों में से एक थी। एक सीक्वल जिसका निर्देशक वी जो टेले टूवा है, जिसमें निर्देशक और अधिकांश मूल कलाकार शामिल हैं, 2004 में इसका अनुसरण किया गया। निर्देशक यिलमाज एर्दोगन मेर फारूक सोरा की द्वारा लिखित, यिलमाज एर्दोगन द्वारा निर्मित वरन वोलाटी अभिनीत, लिजमा एर्दोगन डेविड अकबसी
अल्तान एरे के सेम सिलमाजी छायाकान मेरू फारूक सोरा की द्वारा संपादित मुस्तफा प्रे सेवा संगीत दिया है कादरे तुर्कु कलर उत्पादन कंपनियां वैसी टास कुलू तुर्म जैसी वो सेक या पिंप द्वारा वितरित पांडव ब्रदर्स रिलीज की तारीख 2 फरवरी 2001 तुर्की कार्यकारी समय 110 मिनट देश तुर्की भाषा तुर्की फिल्म को गेवास बैन फ्रत तुर्की में स्थान पर गोली मार दी गई थी 1970 के दशक में दक्षिण पूर्व तुर्की के एक छोटे से गांव के मेयर अलातान एकल कली ने आलसी अशरवादी लतीफा से जमी फिकिन की गतिविधियों का कड़ा विरोध किया जो ओपन एयर फिल्म स्क्रीनिंग चलते हैं और पहली शुरुआत के साथ गांव के मनोरंजन पर अपने एकाधिकार को तोड़ने का प्रयास करते हैं। टेलीविजन स्थानीय लोगों द्वारा विजेंटेल कहा जाता है। महापौर एनिन यिलमेज एरोडिगन नामक एक पागल इलेक्ट्रॉनिशियन और उसके कार्यालय के कुछ कर्मचारियों को एक टेलीविजन ट्रांसमीटर स्थापित करने में मदद करने के लिए भर्ती करता है। पहाड़ के सबसे ऊंचे स्थान पर जबकि लतीफ टेलीविजन को शैतान का काम और इस्लामी परंपरा के सामने एक तमाचा बताकर अपने प्रयासों को कमजोर करना चाहता है। कहानी लेखक निर्देशक यिलमाज एंदोगन की बचपन की यादों पर आधारित है। 1970 के दशक की शुरुआत में तुर्की के हकारी में पहले टेलीविजन के आगमन की थी। फिल्म 1970 के दशक के अंत में तुर्की समाज में मुख्य संघर्षों में से एक का प्रतिनिधित्व करने की कोशिश करती है जो 1980 के दशक में अच्छी तरह से जारी है। धार्मिक बेनाम धर्मनिरपेक्ष समूहों की टी यहाँ हमेशा राजनीतिक व्यवस्था की प्रकृति को लेकर धर्मनिरपेक्ष समूह और धार्मिक समूहों के बीच संघर्ष कर रही है। यह आंशिक रूप से शहर के पादरी की छवि के माध्यम से दिखाया गया है जो बहुत अधिक हल्क लाता है और हाजिर तौर पर नए आने वाले टेलीविजन के प्रति आतंक महसूस करता है, लेकिन बाद में लतीफा के हाथों का मोहरा बन जाता है। जंगली और मनमुटाव के लिए जाने के लिए बचपन से उनकी कुरान पढ़ने की कक्षा से बचते हैं। आई होप आपको मेरी वीडियो पसंद आई हो तो इसको लाइक करें, शेयर करें और मेरे यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब करें। धन्यवाद।